नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट को एनालिसिस करेंगे। यह रिपोर्ट हमें एक व्यूअर ने भेजा है जो उनके रिलेटिव है, उनको ब्रेस्ट कैंसर है और उनका FDG पेट सिटी हुआ है, तो उस रिपोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने हमें रिपोर्ट भेजा है। इससे पहले मुझे कुछ व्यूअर्स ने ऐसे कॉमेंट किए थे, जैसे ये सोनल मैडम थे, उन्होंने लिखा था कि कुछ रिपोर्ट है उसको आप प्लीज़ बता देंगे, या फिर उन्होंने ऐसा भी लिखा था कि मैं यहाँ पर भेज नहीं पा रही, मतलब वो यूट्यूब में भेज नहीं सकते थे रिपोर्ट, तो ऐसा कोई तरीका हो जिससे वो मुझे मैसेज कर सके। आज मनप्रीत सिंह ने मिस्टर मनप्रीत सिंह ने लिखा था कि कोई आपका अगर ईमेल आईडी हो तो प्लीज़ उसको प्रोवाइड कीजिए, तो हम पेट सिटी के रिपोर्ट उनको मतलब शेयर कर सके जिसमें ब्रेन लीजन और बोन लीजन है। और ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं किस तरह से आप लोगों को हेल्प कर सकूं, क्योंकि कभी कभी कितने सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको MRI हो या CT स्कैन हो या पेट सिटी हो, वो स्कैन तो करवा लेते हैं लेकिन उसमें फिर क्या लिखा है वो उनको पता नहीं होता है। तो ये मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकूं, तो इसके लिए मैंने एक ईमेल आईडी बनाया है जो जिस पे आप उस पे रिपोर्ट भेज सकते हैं, और जो भी आप रिपोर्ट भेजेंगे उसको हम ऐसे पब्लिकली मतलब डिस्कस करेंगे। हम डेफिनेटली जो भी पेशेंट है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि एक मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हम करेंगे, लेकिन जिसकी वजह से दूसरे जो भी ऐसे पेशेंट है या जो भी किसी पेशेंट को ऐसे डिजीज़ है, तो वो एटलीस्ट वो वीडियो देख के उनको भी समझ में आए कि मुझे शरीर में कहाँ कहाँ पर डिजीज़ है या फिर नहीं है। तो ये जो ईमेल आईडी है और ये मिस्टर मनप्रीत सिंह ने भी बोला था कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बना सकते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने ये जो मुझे रिपोर्ट भेजा था ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ये जो रिपोर्ट आपको भेजना है तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, nomyreport@gmail.com। इसका स्पेलिंग आप देख लीजिएगा ताकि अगर आपको रिपोर्ट भेजना हो तो उसमें कोई गलती ना हो। इससे पहले रिपोर्ट भेजने से पहले मतलब ये डिस्क्लेमर है कि ये पूरा का पूरा जो भी है फैसिलिटी वो वॉलंटरी है, किसी के ऊपर भी फोर्स नहीं कि आपको रिपोर्ट भेजना है। ये पेशेंट और पब्लिक के बेनिफिट के लिए कि जब भी हम कोई ऐसा रिपोर्ट डिस्कस करेंगे तो उसकी वजह से दूसरे ऐसे जो भी पेशेंट है उनको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर हम खाली रिपोर्ट को एक्सप्लेन या फिर एनालाइज ही करेंगे, उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, मतलब वो रिपोर्ट सच्चा है या झूठा है और उसमें जो लिखा हुआ है वो सही या गलत वो हम वेरीफाई नहीं करेंगे। हम जो भी लिखा है उसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन करेंगे, और यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो खाली इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए ही होगा। अगर आपको जो भी ट्रीटमेंट करनी है आगे वो प्लीज़ आपके जो भी रिफरिंग डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, उनसे ही आप डिस्कस कर सकते हैं। और हम डेफिनेटली ऐसा ध्यान रखेंगे कि कोई भी पेशेंट का मतलब नाम डिस्क्लोज ना हो, और हम ये भी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं जो भी रेडियोलॉजिस्ट ने इसको रिपोर्ट किया है उसकी डिग्निटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं कि हम उनका जो भी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है या जो भी उनका एक प्रोफेशनलिज्म है उसके ऊपर हम कोई जज नहीं कर रहे, ना हम उनको इवेल्यूएट कर रहे हैं। हम खाली जो भी उन्होंने लिखा है हम वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए पेशेंट को या फिर पब्लिक को समझा रहे हैं। तो ये डिस्क्लेमर ये हिंदी लैंग्वेज में है। अभी हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया है। अब ये रिपोर्ट मुझे मिस्टर मनप्रीत सिंह ने भेजे थे, उसमें जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसमें ये पूरी की पूरी टेक्निक होती है, जो वोल बॉडी पेट सिटी स्कैन में जो भी स्कैन कैसे किया होता है ये पूरी की पूरी टेक्निक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि पेशेंट इज फॉलो अप केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ राइट ब्रेस्ट, मतलब पेशेंट को ऑलरेडी राइट ब्रेस्ट का कैंसर है, और राइट MRM मतलब मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी हो चुकी है 2020 में। उसके बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी दिया गया है और रेडियोथेरेपी दिया गया है, ये कीमो रेडियोथेरेपी उसका शॉर्ट फॉर्म है, और जो कीमो रेडियोथेरेपी भी कंप्लीट हुआ है 2020 में, और जो अभी का पेट सिटी हो रहा है वो रीस्टेजिंग के लिए मतलब हो रहा है, मतलब फिर से पेशेंट को अगर डिजीज है तो वो कहाँ कहाँ पर स्प्रेड हुआ है उसके लिए ये पेट सिटी किया गया है। इसमें अभी हम देखते हैं तो जो ये बोल्ड में लिखा गया है कि FDJVID एनहांसिंग लीजन्स आर सीन इन राइट पेरीवेंट्रिकुलर रीजन ऑफ राइट सॉरी लेटरल वेंट्रिकल, और उसमें उसकी साइज दी गई है और उसमें SUV बताया गया है, और लेफ्ट सेरेबेलो पोन्टाइन एंगल, मतलब ये जो भी लीजन लिखा है ये ब्रेन में बताया गया है। अभी हम किसी और पेशेंट की इमेजेस को हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस बता के उसमें हम जानेंगे कि ये जो लीजन होता है वो कहाँ पर है, तो अभी हम देखते हैं कि ये लीजन कहाँ पर हो सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये किसी और पेशेंट की इमेजेस है, लेकिन इसमें जो मनप्रीत सिंह के जो भी रिलेटिव है उनके रिपोर्ट में जो लिखा गया है उसमें ये जो भी लीजन है वो यहाँ पर लिखा गया है, मतलब कि यहाँ पर पेशेंट को डिजीज है,
राइट साइड ऑफ लेटरल वेंट्रिकल के बाजू में पेरी वेंट्रिकल रीजन में, तो यहाँ पर कोई भी डिजीज होगा तो उसको पेरी वेंट्रिकुलर रीजन बोलते हैं। ये लेटरल वेंट्रिकल है राइट साइड का और ये लेटरल वेंट्रिकल है लेफ्ट साइड का। जो भी MRI या CT स्कैन की इमेजेस होती है उसमें मतलब थोड़ा सी मिरर इमेजिंग होता है, यहाँ पर पेशेंट की राइट साइड होती है और यहाँ पर पेशेंट की लेफ्ट साइड होती है। तो जो भी अगर डिजीज है यहाँ पर है तो वो राइट साइड होगा और यहाँ पर होगा तो वो लेफ्ट साइड होगा। वो पूरे बॉडी में ऐसा ही होता है, जैसे ये ब्रेन का पार्ट है तो ब्रेन में ये जैसे ये है राइट आई बॉल है, मतलब राइट आँख है और ये लेफ्ट आँख है। ये पूरे शरीर में जो भी हम CT स्कैन या MRI करते हैं तो ये ऐसे ही हमें रीड करना होता है, ये राइट और ये लेफ्ट साइड होता है। और जब भी हम FDG पेट CT करते हैं तो हमें पता है कि ये जो ब्रेन का पार्ट होता है उसमें नॉर्मल FDG अपटेक होता है, क्योंकि पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ब्रेन में होता है और नॉर्मल FDG अपटेक आता है। तो अगर ब्रेन में कहीं पर भी ऐसा कोई लीजन होता है तो उसमें कभी कभी FDG अपटेक अप्रिशिएट नहीं होता है, तो उसके लिए कभी कभी हमें MRI ब्रेन करवाने की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नोट करके लिखा है कि इफ देर इज स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ ब्रेन मेटास्टेसिस देन MRI सजेस्टेड फॉर फर्दर इवोल्यूशन एज अ स्मॉलर लीजन मे नॉट बी डिटेक्टेड ऑन FDG पेट, जो कि सही है कि MRI में हमें कभी कभी कुछ ज़्यादा लीजन भी मिल सकते हैं और उसमें उसके अलावा जो भी लीजन की साइज होती है वो हमें थोड़ी एक्चुअल पता चलती है, क्योंकि CT ब्रेन में थोड़ी साइज में वो प्लस माइनस हो सकता है। अभी जैसे हम दूसरा उन्होंने बोला था कि लेफ्ट साइड सेरेबेलो पोन्टाइन एंगल, मतलब अभी हम CT में देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड सेरेबेलो पोन्टाइन एंगल कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये नीचे का पार्ट होता है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड सेरेबेलो पोन्टाइन एंगल हम इसको कंसिडर करेंगे और इसको CP एंगल, शॉर्ट फॉर्म में CP एंगल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम रिपोर्ट में नीचे जाते हैं तो हमें दिखता है कि राइट ब्रेस्ट इज नॉट विजुअलाइज पोस्टर सर्जरी, मतलब अभी हिस्ट्री में लिखा था कि राइट साइड में MRM हो चुका है। MRM का मतलब है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी और उसकी वजह से राइट साइड की ब्रेस्ट दिख नहीं रही है। और उसके बाद लिखा है कि नो एबनॉर्मल FDG विद लीजन अलोंग राइट चेस्ट वॉल एंड एक्सिलरी रीजन, मतलब जहाँ पर सर्जरी हुई है वहाँ पर अभी कोई भी FDG विद लीजन नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई भी कैंसर नहीं है। अभी हम रिपोर्ट के दूसरे पेज पर जाते हैं, ये दूसरा पेज है और उसमें सब जो भी नॉर्मल है ये सब डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद लिखा है कि FDG लीजन सीन इन राइट साइड ऑफ D3 वर्टिब्रा कोस्टो वर्टिब्रल रीजन विथ सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट, और उसकी साइज बताई गई है अराउंड 16x15 mm और उसका SUV है 6.4। और दूसरा जो लीजन है वो लेफ्ट साइड 4-3 में है और उसकी FDG अपटेक है SUV है 3.3। तो इसको हम अभी एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज में देखेंगे। तो ये दूसरे पेशेंट में अगर हम देखें तो उनको भी सेम जगह पे, मतलब उसी लोकेशन के पास डिजीज आ रहा है स्केलेटल मेंट से, मतलब ये थर्ड रिब है और ये D3 वर्टिब्रा है, तो उसके जंक्शन के मतलब यहाँ पर ही जो भी रिपोर्ट है उसमें मेंशन किया गया कि यहाँ पर भी डिजीज है और सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट, मतलब ये बोन इरोजन के साथ सॉफ्ट टिश्यू होता है। तो कभी कभी अगर बोन में मेटास्टेसिस होता है तो उसके साथ सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो वो मेंशन किया गया है रिपोर्ट में। और दूसरा उन्होंने लिखा था कि लेफ्ट 4th रिब, अभी इसको हम ऊपर से गिनेंगे तो ये 1st रिब, ये 2nd, ये 3rd और ये 4th रिब, मतलब ये 4th रिब में जैसे ऐसा अपटेक आ रहा है वैसा भी शायद इनके जो भी नॉन है उनको ये अपटेक आ रहा होगा। इस पेशेंट में जो भी मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ ये दूसरे पेशेंट की है, इसमें भी अगर हम देखें तो इस पेशेंट को लेफ्ट साइड ब्रेस्ट कैंसर है, यहाँ पर ये ब्रेस्ट वाला कैंसर है और उसमें ये लेफ्ट साइड एक्जिला में नोड्स है, जो जनरली हम देखते हैं कि कहीं पर भी कैंसर होता है तो उसका सबसे पहले लिम्फ नोड में जाता है और उसके बाद वो दूसरे किसी ऑर्गन में जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में लीजन है, फिर लेफ्ट एक्जिला में नोड्स है और उसके बाद ये मल्टीपल स्केलेटल मेटास्टेसिस है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये मल्टीपल वर्टिब्रा में है, मल्टीपल रिब्स में है, इवन यहाँ पर ये स्टर्नम का पार्ट है उसमें भी FDG लीजन है। जैसे हम नीचे जाते हैं तो ये लीवर में भी मेटास्टेसिस है, ये FDG लीजन है लीवर में। और उसके बाद ये जितनी भी वर्टिब्रा है मोस्टली सभी वर्टिब्रा में लीजन है, ये सेक्रम का पार्ट है और ये बायलेटरल पेल्विक बोन है, ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। तो इस तरह से ये पेशेंट को भी खराब डिजीज है, ये दोनों फीमर में अपटेक है, ये दोनों फीमर में लीजन है। तो इस तरह से ये जो भी लीजन है ये सभी मेटास्टेटिक लीजन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये भी जो भी पेशेंट मैंने आपको दिखाया अभी स्क्रीन पे, इस पेशेंट को भी CA ब्रेस्ट विथ, इवन इस पेशेंट को भी ब्रेन में मेटास्टेसिस है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये
ब्रेन में लीजन है, ये बड़ा सा ब्रेन में लीजन है, और इसके बाद ये पेरिफोकल एडिमा हाइपोडेंस, मतलब लीजन के बाद पेरिफोकल एडिमा जो होता है ये में दिख रहा है। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस तरह से शायद आपको भी हेल्प रही होगी कोई किसी भी रिपोर्ट को समझने में। अगर आपको कोई ऐसा रिपोर्ट आपने करवाया हो या फिर आपके रिलेटिव ने किसी ने करवाया हो, और आपको नॉट इवन पेट सिटी, अगर आपको MRI या सीटी स्कैन का रिपोर्ट भी समझना है, तो आप उसको इस ईमेल आईडी पे, जो भी मैंने दिया था उस ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। और ये भी जो भी आप रिपोर्ट भेजेंगे उसमें मैं यही मान के चलूंगा कि इसका हम ऐसा पब्लिकली डिस्कस करेंगे, ताकि दूसरे जो भी पेशेंट है या फिर व्यूअर है उनको थोड़ी सी इसके बारे में समझ आ सके। और हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि पेशेंट का नाम कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं होगा। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो जो भी सीरीज हमने शुरू की है वो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए ये एक जो भी हमारा ईमेल आईडी है मैं ये डिस्प्ले कर देता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।